Good morning, students. In class 6th, yesterday we have discussed the topic food from animals. For today, our topic is some basic information related to Indian food. So, आज हम इंडियन फूड के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं. इंडियन फूड इज एज डाइवर्स एज इट्स रिलीजियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर. जिस तरीके से हमारे इंडिया का कल्चर लैंग्वेज रिलीजन इतने ज्यादा डाइवर्स हैं, वैसे ही हमारे इंडिया का फूड भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है. इन इंडिया ईच रीजियन एंड स्टेट हैज इट्स ओन यूनिक कुजीन दैट इज फूड आइटम्स. इंडिया में हर रीजन में हर स्टेट में वहां का एक अपना एक यूनिक कुजीन है, जिस कुजीन को कहते हैं फूड आइटम्स. इन पंजाब पीपल ईट तंदूरी रोटी, सीजनल वेजिटेबल्स, पल्सेस, पिकल्स, चिकन एक्सेट्रा. पंजाब के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? तंदूरी रोटी, सीजनल वेजिटेबल्स, अचार, चिकन, एग्स एक्सेट्रा. पीपल इन ईस्टर्न इंडिया लाइक टू ईट राइस एंड फिश. ईस्टर्न इंडिया के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? राइस विद फिश, मछली और चावल के साथ मिक्स करके, ठीक है. इन साउथ पीपल ईट इडली, डोसा, उत्पम एंड वाडा सर्व विद सांभर. साउथ इंडियन लोग क्या खाना पसंद करते हैं? इडली, डोसा, वाडा विद सांभर, उत्पम ऑल्सो. इन सेंट्रल इंडिया पीपल प्रेफर अवधी एंड मुगलई कुजीन. अब सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहां के लोग अवधी और मुगलई कुजीन पसंद करते हैं, जैसे कि राइस विद मीट, बिरयानी एंड कबाब. दीज आर द फूड आइटम्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. At the last in this chapter, we will discuss about some key terms in the form of glossary. So, our first term is carnivore, an animal that eats only other animal. Carnivores वो जानवर होते हैं जो दूसरे जानवर को खाना पसंद करते हैं. Second term में हमारा cuisine. Cuisine का मतलब just मैंने अभी आपको बताया था कि वो food items होते हैं जो हम लोग उसको prepare करते हैं. Third है हमारा edible. Edible का मतलब होता है that is to be eaten or suitable for eating. ऐसी कोई चीज जो खाने के लायक हो, योग्य हो, उसी को कहते हैं हम edible. Next term है हमारा nectar. Nectar का मतलब होता है it is a sweet juice of flower which bees collect to make honey. एक मीठा मीठा जूस होता है जो flowers से पाया जाता है और honey bees उसको collect करती हैं. Next हमारा term है ingredients. The material that are needed to prepare a cuisine, that is food item. Food item और cuisine को prepare करने के लिए जो material चाहिए होते हैं उसको हम कहते हैं ingredients. And last हमारा term है sprouting seeds. इसका मतलब होता है to begin to grow or germination of seed. Seed का germination होना, तैयार होने, begin होना, starting point जो होता है, seed sprout होता है. That is to begin to grow or germination of seed. So our terms are carnivore, cuisine, edible, nectar, ingredients, sprouting seeds. Okay, students, thank you for today.